बाकी लोग कहाँ, इतना धीरे आते हैं लोग आराम आराम से। लाइक मुझे लगता है 10-15 मिनट तो सीमित लग जाते हैं बस। ओके प्राप्ति जी, यस सर आ रहे होंगे क्या? आ रहे होंगे सब लोग। वैसे भी 9 बजे तो कोई क्लास थी नहीं मेरे बैच की। अच्छा अच्छा नहीं थी। यस पहले कोई क्लास नहीं होती सब आराम से आ पाते ना, थोड़ा ऐसा होता है। अगर पहले क्लास होती तो शायद थोड़ा सा लगे रहते हैं कि हाँ चलो ये है फिर नेक्स्ट ऐसा। हाँ मतलब 5-10 मिनट का गैप ले लेता बीच में पहले। हाँ हाँ ओके। यस गुड मॉर्निंग प्राप्ति। हम लोग कल क्या कर रहे थे? हम लोगों ने एडवर्ब्स किया था कल, कंप्लीट किया था या फिर सर कंप्लीट नहीं करा था हमने, एडवर्ब में भी बचा था। इन्वर्जन करना स्टार्ट किया था हम लोगों ने। यस सर इन्वर्जन कर रहे थे और साथ में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे थे, मतलब लास्ट में क्लास के एंड में क्वेश्चंस नहीं, वो जो आपने नॉर्मली जो आप बीच बीच में देते रहते हो वही वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा ऐसे ये कराना शुरू भी नहीं किया था सब कुछ ना? नहीं ये सब नहीं करा था हमने। अच्छा अच्छा चलो तो फिर। अच्छा लास्ट हमने जो लिखा था कंप्लीट इन्वर्जन कर लिया था हम लोगों ने कल। कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ पे करते हैं? आई गेस ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से कंप्लीट इन्वर्जन नहीं किया था हम लोगों ने। कंप्लीट इन्वर्जन आज करना है ऐसा कुछ है शायद। हाँ यस कंप्लीट इन्वर्जन से वी हैव टू स्टार्ट टुडे। अरे ऐसा होता है ना कि मोस्टली ऐसे बाकी क्लासेस हो रही होती तो आई फॉरगेट कि कहाँ पे गया था, तो कई बार में ऐसा होता है कि आई जस्ट नोट डाउन कि इस वाली क्लास में ये करना है एंड एट टाइम्स आई फॉरगेट नोट डाउन करने भूल जाते हैं कई बार। चलो तो विल स्टार्ट विद, यानी कि हम लोगों ने ओनली और नो वाले एक्सप्रेशंस कर लिए थे कि नो जहां पे लगता है जिन एक्सप्रेशंस में उसके साथ में हम लोग लगाते हैं इन्वर्जन है ना। तो ओनली और नो ही वाले करे थे। हाँ यस ओनली से स्टार्ट हो रहा होगा तो नॉट ओनली टाइमली। अच्छा प्रेजेंटली हाँ ये किया था। यस 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 ओके हाँ कंप्लीट इन्वर्जन वाला स्टार्ट करना था। ओके चलो नाइस ठीक है। कंप्लीट इन्वर्जन का मोस्टली एक ही रूल होता है, मतलब एक चीज की एक ही कंडीशन है। तो विद द सेंटेंसेस या विद एक्सप्रेशंस ऐसे लिखता हूं मैं, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द एक्सप्रेशन शोइंग प्लेस, यानी सेंटेंस अगर हमारा ऐसे स्टेटमेंट से या ऐसे एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो जो जगह दिखा रहा हो, ठीक है, मतलब किसी प्लेस को डिनोट कर रहा हो, उसके साथ में हमारा कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। ठीक है विद एक्सप्रेशंस डिनोटिंग अ प्लेस, ठीक है जैसे कौन से हो गया हमारा, जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे देखा था याद होगा, हमने कल एक एग्जांपल किया था जस्ट आउटसाइड द गेट, जस्ट आउटसाइड द गेट तो इसमें था ना जस्ट कि बिल्कुल गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा था, जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ गार्ड, ठीक है ऑन अ हिल इन द वैली। राउंड द कॉर्नर
along the northern frontier. ठीक है. Similarly, जैसे 10 miles beyond the school. Under a tree. ठीक है. You got the idea कि हम क्या यूज करें. ठीक है. तो ऐसी जगहों पे जो भी चीज आपका प्लेस को डिनोट करे, ठीक है, उसके साथ आप क्या लगाते हो, कंप्लीट इन्वर्जन लगता है इसमें. ठीक है. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं. अंडर अ ट्री वॉज sitting an old man. ठीक है. तो under a tree was sitting an old man. ठीक है. तो पेड़ के नीचे वो बैठा था, इस तरीके से बोल रहे हम लोग. under a tree was sitting an old man. तो कोई भी सेंटेंस जो आपके प्लेस को डिनोट करता है उसके साथ आप ये लगाते हो. अच्छा, एक चीज देखना, अगर इसमें जैसे हम लोगों को कंप्लीट इन्वर्जन लगाना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, देन आपका सब्जेक्ट आएगा. वहां पे ऐसा हो रहा था जब हम लोग वो लगा रहे थे, जब हम लोग केवल इन्वर्जन की बात कर रहे थे पार्शियल इन्वर्जन में, उसमें आपको पता है कि अगर हमारे पास एक वर्ब था जैसे सिंपल पास्ट में दे रखा है तो हम उसे ब्रेक कर रहे थे, यानी कि उसको हम लोग जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट में था हमारे पास ही कम्स ही नेवर कम्स टू माई हाउस, तो नेवर से अगर हम स्टार्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, नेवर डज ही कम. इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई भी सेंटेंस दे रखा है ऐसे जैसे राउंड द कॉर्नर वेंट जॉन, ठीक है, अगर आपके पास केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब ही यहां पर रहें, तो इसे अलग से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना ही ठीक हो जाएगा. ठीक है. तो अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ में ऐसे है तो ये ठीक है, और अगर केवल मेन वर्ब है तो इस तरीके से ठीक है. तो ऑफकोर्स हम इसमें इन्वर्जन लगा के वो तो नहीं करेंगे, टेक जॉन को वो तो लगाना नहीं हमें. ठीक है. तो राउंड द कॉर्नर यानी कि यू नो कॉर्नर से, कॉर्नर से मतलब वही मोड़ से जाते हुए इसके लिए बोलते हैं हम लोग ये. ठीक है. तो राउंड द कॉर्नर वेंट जॉन, तो इसमें अगर आपके पास केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो वो पूरा ही उससे पहले आएगा सब्जेक्ट से. ठीक है. तो दिस इज योर कंप्लीट इन्वर्जन, किसी भी जगह आप यूज करोगे. जैसे अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, अलोंग द साउदर्न फ्रंटियर, इस तरीके से कुछ भी आप बोल सकते हो. ठीक है. जैसे हमारे इसमें एक सेंटेंस पढ़ा था हम लोगों ने, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर स्टैंड्स द हिमालयस. ठीक है. यानी कि हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर पे वहां पे हिमालयस है ऐसा. ठीक है. तो इस तरीके से आप यूज करते हो तो आपका वर्ब पहले आएगा देन द सब्जेक्ट, क्योंकि आपने इस तरीके से प्लेस को डिनोट किया. ठीक है. तो बाकी तो बहुत इजी है. अंडर अ ट्री, ऑन द टेबल वॉज सिटिंग अ कैट. ठीक है. मतलब इतना ही, किसी भी जगह की बात करोगे, ऑन द बेड वॉज सिटिंग अ कैट. ठीक है. तो ऑन द बेड, ऑन द टेबल, किसी भी जगह से अगर आप वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो उस चीज से, ऐसे एक्सप्रेशन से जो किसी भी प्लेस को, जगह को या जगह को डिनोट करता है, उसके साथ वी विल यूज कंप्लीट इन्वर्जन. इज इट क्लियर? ठीक है. तो मेरे ख्याल से इजी पार्ट है वाला. अब मेरे को बताओ जरा, ये हम लोगों ने देखा था आई गेस, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, मतलब इफ वर को यूज करते हैं हम लोग जब डिनोट करने के लिए, टू फॉर आर अनफुलफिल्ड विश और डिजायर. ठीक है. I would fly. अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें इन्वर्जन किस तरीके से लगेगा. याद है, अगर हम यहां से इफ रिमूव करें, हमने पढ़ा था सेंटेंस को, अगर यहां से इफ हटाएं तो क्या होगा सेंटेंस में, इफ वी वॉन्ट टू रिमूव इफ.
सर ऐसा नहीं हो जाएगा फिर, आई वुड फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड. नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो इसका तो हमने देखा, इस सेंटेंस को जैसे हमने ये लिखा है ना, इफ, अगर मैं यहाँ से इफ हटाना चाहता हूँ, ठीक है, ऑल दो सेंटेंस ही करेक्ट है, ये तो पता है मैं कि करेक्ट है, अगर मैं इस सेंटेंस में से इफ हटाऊंगा तो इसमें इन्वर्जन लग जाएगा और सेंटेंस हमारा बन जाएगा, वर आई अ बर्ड आई वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये कुछ इस तरीके से बोला जाएगा सेंटेंस को, जैसे अगर ऐसे ना, इफ आई वर यू, I would have helped him, or I would help him. कुछ भी ऐसा बोल रहा हूँ आपको, मैं हेल्प करूंगा ऐसा कुछ, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी हेल्प करूंगा ऐसा कुछ, आई वुड हेल्प हिम या आई वुड हैव हेल्प हिम, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। इसमें से भी अगर आप इफ रिमूव करोगे कैसे बोलेंगे वैसे, वर आई यू आई वुड हेल्प हिम, यस वर आई यू आई वुड हेल्प, ठीक है, वर आई यू आई वुड हेल्प हिम, बिल्कुल सही इस तरीके से बोला जाएगा इसे। तो इसके अंदर क्या लगता है, हमारा इन्वर्शन लगता है, where I would help him। अच्छा देखो, नहीं अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर वी आई लव सेंटेंस ठीक है, आई वुड हैव हेल्प हिम वो भी ठीक है, और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी ठीक है, बस हमने बात की थी ना इस बारे में, अगर काम हो चुका है तो हम आई वुड हैव लगाते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं अभी की तो हम आई वुड हेल्प बोलते हैं। तो अगर एक सेंटेंस में ऐसे लिखता हूँ ना, आई हैव हेल्प्ड हिम, तो वो भी ठीक होगा, I would have helped him. This thing, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता ऐसा, और ये क्या है, पास्ट का शुक्र है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। इसमें यूज करते हैं वैसे, बींग का यूज भी कर सकते हैं, साक्षी बींग का कैसे, कहाँ पे, इफ निकालना है तो कैसे करेंगे बींग का यूज, मतलब बींग एट अ प्लेस है क्या, बींग अ बर्ड, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं ऐसा करने की इतना सब कुछ, बींग अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है, बिकॉज दैट वॉन्ट शो कि आप उस चीज को विश कर रहे हो ऐसा। यहाँ पे क्या है ना, जो इफेक्ट था ना इसका वो रिस्टोर्ड रहता है, वैसा ही रहता है। यहाँ पे इफेक्ट किसका क्या आता है, हम लोग पढ़ते हैं इफ आई वर समथिंग तो हम बोलते हैं कि ये शो करता है अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, लाइक यू डिजायर अबाउट समथिंग, या फिर अनफुलफिल्ड तो एक हो गया पास्ट के लिए यूज करते तब, और अभी का प्रेजेंट का डिजायर अगर हमारा कुछ है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा, ठीक है, कोई भी विश है या डिजायर है, वो चीज यहाँ पे भी, वो इफेक्ट यहाँ पे भी है उसका, वर आई अ बर्ड, तो बींग अ बर्ड वो शो करेगा ही नहीं, वो तो फिर अलग चेंज कर दे, बींग अ बर्ड तो ऐसे लिखाएगा क्योंकि मैं बर्ड हूँ तो मैं उड़ूंगा ऐसा वाला, उड़ूंगा और अजीब लग रहा है ओके ठीक है, तो बींग अ बर्ड तो सेंस में आ जाएगा कि एक बींग अ नाइस पर्सन, याद है ना, बींग अ नाइस पर्सन जब हम इस तरीके से बोलते हैं इसका मतलब हम अच्छे इंसान हैं, तो वहां पे वो ये शो नहीं करेगा कि हम अच्छे इंसान होते, ठीक है, तो एक्चुअल में वर्ड तो शो करेगा डिजायर, उसके लिए आप इसे देखोगे ऐसा, ठीक है, तो if I were you, were I you, यानी किसका इफेक्ट वही रहता है विश वाला, बस आप इफ हटाते होगर तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेम। अच्छा देखो, हम लोगों ने जैसे if I were के साथ पढ़ा था, आपको याद होगा हम लोगों ने had के साथ भी पढ़ा था सेंटेंस, है ना, जैसे if I had done well, if I had done well, I would have been rewarded, ठीक है, तो सेंटेंस इस तरीके से, सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है, एकदम सही है सेंटेंस। अब मुझे इसमें से भी इफ हटाना है तो क्या करेंगे,
इसमें भी वैसे इन्वर्जन लगेगा. यस हैड आई डन वेल. हैड आई डन वेल बिल्कुल सही. हैड आई डन वेल आई वुड हैव करेक्ट. हैड आई डन वेल ओके आई वुड हैव इन द बॉडी बिल्कुल सही. ठीक है तो यहाँ से इफेक्ट आओगे तो इस तरीके का हो जाएगा. तो याद रखना है कि अगर सेंटेंस इस तरीके का मिलता है और अगर इफेक्ट आते हैं तो वील डू दिस थिंग. ओके तो चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो. जैसे हमने लिखा था ना अभी इफ आई वर इज इक्वल टू वर आई ऐसा वैसे ही. यहाँ पे हैड आई लिखा हैड आई इज इक्वल टू इफ आई ये मतलब है. ठीक है तो कहीं पे भी अगर इस तरीके का हम चेंज करते हैं वो इस वजह से करते हैं. चलिए तो आई होप इसमें अगर कुछ भी एरर या क्वेश्चन होगा तो हमें पता है कि क्या कहना चाह रहा है. मतलब ये इनकम्प्लीट ही लगेगा हमें. अब वी नो दैट कि हाउ डज इट वर्क. ठीक है इन्वर्जन वाली चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हियर ही कम्स. ठीक है हियर कम्स द बस. ऐसे सेंटेंस देखे होंगे ना जहां पे हम लोग हियर देयर देयर ही गोज. ठीक है ये इस एक्सप्रेशन के साथ ही बोले जाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ और इसी एक्सप्रेशन में बोले जाते हैं. इसमें भी आपका क्या होता है जब आप नाउन यूज कर रहे होते कहा जाता है जब भी आप नाउन यूज करते हो ठीक है तो आपका इन्वर्जन लगता है उसके साथ में. तो यहाँ पे वर्ब पहले आ रहा है और जब प्रोनाउन यूज करते हो तो इस तरीके से हो जाता है. ऑल्दो इसमें कुछ ज्यादा सेंस नहीं है इस चीज का मतलब बहुत बड़ा कोई रूल नहीं है बट दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि हियर कम्स द बस हियर कम्स जॉन. ये वैसा एक्सप्रेशन होता है ना एकदम देख के जो खुश आते हैं अरे लोग बस आ गई ऐसा टाइप का. हियर कम्स द बस ये वो एक्सप्रेशन होते हैं. ठीक है हियर कम्स जॉन. ठीक है अगर आप इसमें प्रोनाउन यूज करोगे इन केस तो आप क्या बोलोगे हियर कम्स ही नहीं हियर ही कम्स. ठीक है तो ये बोला जाता है कि जब भी नाउन लगता है ना इसके साथ में तो इन्वर्जन लग रहा होता है और प्रोनाउन यूज करते हो तो आप इस तरीके से यूज करते हो. सुने इस तरीके की एक्सप्रेशन ना मतलब ये नई चीज नहीं लग रही. सुना होगा मेरे ख्याल से तुमने. बस ठीक है फिर तो ठीक है हम लोगों ने देखी वाली चीज तो आगे बढ़ते हैं फिर तो बस इतना याद रखना बस ऐसा हेयर कम्स बस. और जब ये और ये एक्सप्रेशन ऐसा है ना कि हमें बस इसका पता है कैसे यूज किया जाता है उतना ही पढ़ना काफी होता है इसमें. तो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट आता है हमारा सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर. ये क्या था हम लोगों ने कल नहीं तो लिखिए इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर. अगर हमारा सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से देन इन्वर्जन इज यूज. ठीक है तो इसके साथ में भी इन्वर्जन लगता है देखें कैसे. जैसे सो रूडली डिड ही बिहेव. ठीक है सो रूडली डिड ही बिहेव दैट द पीपल वर ऑफेंडेड या फिर एवरीबॉडी was offended. Okay, so rudely did he behave. अब यहां से आप स्टार्ट करो दिस इज कि किस तरीके से बिहेव किया. दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर और उसके साथ में आप ये लिखोगे तो सो रूडली ही बिहेव्ड नहीं आएगा. क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा ऑल्दो तो सो प्लस एडवर्ब मैनर के साथ में हम लगाएंगे इन्वर्जन. योर हेल्पिंग वर्ब योर सब्जेक्ट योर मेन वर्ब. ठीक है जैसे so well
he said that everyone liked him. ठीक है, तो हमें पता है हमें so well, इतना अच्छे से उसने गाया. ठीक है, दिस इज अवर एडवर्ब ऑफ मैनर. व्हाट वी विल से, सो वेल डिड ही सिंग, है ना. तो इस तरीके से हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ में भी इन्वर्जन लगाएंगे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल इन्वर्जन, तो इसके साथ भी आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है वाली चीज भी. आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा अब देखो, नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ दिस थिंग टू सच. अब टू सच से मतलब क्या है, जैसे एक्सप्रेशन हमारे हो सकते हैं टू सच एन एक्सटेंट. थोड़ा सा टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ डिग्री. ओके, टू सच अ पॉइंट. यस, टू सच अ लेवल, बिल्कुल सही. To such a point, to such a level, yes. ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सेट्रा. तो इससे जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या लगेगा, हमारा इन्वर्जन लगेगा. Such a level was he bullied that he finally gave up on his life. बहुत ही ज़्यादा दुख वाला सेंटेंस बनाया, but यह सेंटेंस is correct. But ठीक है, बिल्कुल सही. जैसे हम लिख सकते हैं, to such to such an extent he has analyzed, to such a level he was loved that he forgot the importance of friends and family. To such a level he was loved that he forgot the importance of friends and family. इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इतना ज्यादा प्यार मिला उसे घर वालों से कि वो बिगड़ गया, ऐसा टाइप का. लाड प्यार ने बिगाड़ दिया, ऐसी वाली चीज हुई कि लाइक सबको फॉर ग्रांटेड ले लिया. चलो मैं एक और सेंटेंस. To such an extent he was he has analyzed the problem that analyze the problem, analyze the chapter likh lete hain. That no problem is left. ठीक है, क्लियर हो गई. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस हैज ही एनालाइज्ड. ठीक है, टू सच एन एक्सटेंट हैज ही एनालाइज्ड द चैप्टर दैट नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट. ठीक है, बहुत ही कॉमन सी एक्सप्रेशन है और इसे हम
इसके साथ इन्वर्जन लगाएंगे और याद भी रखेंगे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस में कि वी हैव टू यूज इन्वर्जन हियर. ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो क्वेश्चंस हम लोग यूज करते हैं, जैसे नॉट ओनली हम जनरली यूज करते हैं, पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, लेकिन सेंटेंस जब भी नॉट ओनली से स्टार्ट होगा इसके अंदर भी इन्वर्जन लगेगा. ठीक है, नॉट ओनली से सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है इधर क्या लगाते हैं हम लोग, इन्वर्जन लगाते हैं. चलिए देखिए कैसे. दीप्ति यू आर हियर. ये सेंटेंस में ये वाला मतलब था क्या उसका, कि सब लोग वो क्या हो गया उसने वो लाइक सबको फॉर ग्रांटेड ले लिया. हाँ सर, सर मेरा इंटरनेट पागल हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. तो मुझे आपने कुछ बताया था क्या इस सेंटेंस के बाद? तो इस वाले के बाद इसमें मैंने बताया भी इतना ही बताया, टू सच एन एक्सटेंट हैज ही एनालाइज्ड द प्रॉपर चैप्टर, मतलब मैंने भी एक सेंटेंस लिखा बस, टू सच अ पॉइंट टू सच अ डिग्री. हाँ, जब भी हम इसे यूज करेंगे तो उसमें वो इन्वर्जन लगाएंगे. तो मैंने बस ये सेंटेंस लिखा कि टू सच एन एक्सटेंट हैज ही एनालाइज्ड द चैप्टर दैट नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट. ठीक है. Okay. अच्छा, मैंने यहाँ पे ना ही वॉज कर दिया था, तो वॉज ही होना चाहिए था यहाँ पे. हाँ, यस, तो सच लेवल वॉज ही मिलेगा. क्वेश्चन दिया तुमने भी, मेरे को आंसर बताना है. ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो. अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया है कि दिस इज यूज टू कनेक्ट. ये तो हम लोगों को सबको याद है ना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम या तो दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को, या फिर दो वर्ब्स को. ठीक है, ये चीजें कनेक्ट करने के लिए यूज होता है. और ये लाइक ये एक रूल होता है कि नॉट ओनली के साथ अगर सब्जेक्ट है या जो भी आप नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हो या उस लेवल का, वही चीज बट ऑल्सो के साथ में आएगी. नॉट ओनली के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के साथ भी ऑब्जेक्ट होगा. नॉट ओनली के साथ अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब ही होगा. ठीक है, अब देखो अगर कुछ सेंटेंस आता है कुछ इस तरीके से, Not only he read, but he also writes to कहेंगे, wrote कहेंगे ना फिर तो. Not only he read, but he also wrote the speech. सेंटेंस थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, तो नॉट ओनली ही रेड बट ही ऑल्सो रोट द स्पीच. अभी हमें पता चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि उसने केवल पढ़ा ही नहीं, उसने लिखी भी थी स्पीच. ठीक है, अब बताओ उसमें क्या करोगे. अच्छा, एक और चीज इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज और बताता हूँ, उसके बाद आंसर करते हैं. जैसे नॉट ओनली लिखा है, नॉट ओनली के बाद जैसे मैं जो कह रहा हूं ना कनेक्ट करने के लिए, वो ओनली के बाद देखा जाएगा. ओनली के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है. और बट के बाद नहीं दिखाया, जैसे बट के बाद भी यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद नहीं देखते हैं हम, ऑल्सो के बाद देखते हैं. तो कई बार बट ऑल्सो के बीच में हम जैसे यहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया, हम इस तरीके से लिख देते हैं. ठीक है, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि इनके साथ में सेम आना चाहिए कुछ भी. ठीक है, तो वो हम कहाँ पे देखते हैं कि नॉट ओनली ओनली के बाद क्या आ रहा है और यहाँ पे ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है. तो ऑल्सो के बाद आपको यहाँ पे पता चल रहा है क्या लिखा है, दिस इज अ वर्ब. और ओनली के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ही, यानी कि सब्जेक्ट. ठीक है, ऐसा केस जब भी होगा हम जनरली वैसे नॉट ओनली से सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा हम उसके अंदर इन्वर्जन लगाएंगे अगर आगे वर्ब आ रहा है तो. ठीक है, यानी कि सही सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट ओनली के बाद मेरे को इन्वर्जन लगाना है तो व्हाट शुड आई से, नॉट ओनली ही रेड बट ही ऑल्सो रोट द स्पीच. सिंपल पास्ट है ना, तो सिंपल पास्ट में हम लोग डिड ही रीड बट ही आल्सो रोट द स्पीच. करेक्ट. ठीक है, नॉट ओनली डिड ही रीड. ठीक है, अब इससे क्या हो गया, इससे पहली चीज तो हमें पता है नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हो, एक तो वाला एक्सप्रेशन भी है कि यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा. दूसरा ये है कि आप नॉट ओनली के साथ में अब देखो वर्ब आ रहा है और ऑल्सो के साथ भी क्या आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है. यहाँ पे भी सिंपल पास्ट, यहाँ पे भी आपका वर्ब है इस साथ में. ठीक है, तो ये कंडीशन हमें लानी होती है और इसलिए हम इस तरीके का करते हैं. okay. तो जब भी आपका सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है और आगे वर्ब आ रहा है, आप देख लेना उसमें हमें इन्वर्जन लगाना है.
चलिए लेट्स मूव अहेड। अब इसमें इन्वर्जन में ये वाला तो हम सबको पता है, ये बिल्कुल भी कुछ नई चीज नहीं है। जैसे मैंने अगर बोलता हूं कि ये अलग नहीं कहता ना, यू लाइक क्रिकेट सो डू आई, ठीक है, इसमें भी इन्वर्जन लगता है। ये भी इन्वर्जन है ना देखा जाए तो, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज अ सब्जेक्ट। बट हम इसे बोलना आता है तो इसे रूल की तरह लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, इसके अंदर भी देखा जाए तो वी आर यूजिंग इन्वर्जन, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन टेक्स्ट बनते हैं उसमें भी कई बार इस तरीके का हो जाता है, या फिर जब आप डू को यूज कर रहे हो अपनी बात को रिपीट करने के लिए, इस वर्ब को रिपीट करने के लिए। तुम्हें क्रिकेट पसंद है, मुझे भी पसंद है क्रिकेट, तो यहाँ पे सो डू आई, और यहाँ पे आप क्या लगाते हो, सब्जेक्ट बाद में लगाते हो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। तो दैट्स इट। इसके अलावा इन्वर्जन, इतना इन्वर्जन काफी है, क्वेश्चन हम इनमें से मिल जाते हैं। एक्सप्रेशन से जितने भी लिखे आपने, मतलब देख पाओगे ना, रिवाइज करना है सारे कि कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं इन्वर्जन। तो वी कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज नाउ, आई गेस वी आर ऑलमोस्ट डन विद एडवर्ब्स, और इतना ही था हमारे इन्वर्जन। इसमें क्लियर हुआ, इन्वर्जन समझ में आ गया? नाइस, ठीक है। अब यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि समझ में तो आ गया हमें, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि याद रखना है कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन से अगर स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि वही है नेक्स्ट कैच इसके अंदर, क्या पढ़ो और आपको याद रहे अभी क्या, इसके बाद हमें इन्वर्जन लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज पे, कैसे क्वेश्चन करने हैं हमें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड, बॉसम बचपन का दोस्त बिल्कुल, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। Sir, without any vivid reason. बिल्कुल सही, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, क्या जाएगा vivid, यानी कि without any detailed reason। हम reason की बात कर रहे हैं, reason क्या है यहाँ पे, reason noun है, तो उसके साथ हम लोग adjective लगाएंगे, तो vivid adjective हो जाएगा, vividly adverb था। Next, Prabha was exorbitantly paid for how skillfully she received the visitors and entertained them. होना चाहिए। ओके संजीत, क्या लग रहा है, नो एरर तुम्हें भी? तो हम लोग एडवर्ब यूज कर रहे हैं पेट के लिए, वो भाई है, एंड हाउ स्किलफुली शी डिड समथिंग, बिल्कुल सही। तो यानी कि दोनों जगह हम लोगों ने एडवर्ब का यूज सही किया, तो यस देयर इज नो एरर, करेक्ट, ठीक है, नो एरर, यस कर, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। अब सेंटेंस पढ़ के बोलना चाह रहे कि जैसे जो सेकंड पार्ट है, बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, मतलब अभी तो ये था पता नहीं किधर चले गया, ऐसा वाला है ना, आई डोंट नो कहां निकल गया बिना दिखे। ओके, द कैप्टन केम प्रेजेंटली, हम यहाँ पे प्रेजेंटली को यूज करना चाह रहे हैं जस्ट नाउ वाले सेंस में, कि अभी अभी तो आया था, अभी पता नहीं फिर बिना नोटिस हुए, बिना नोटिस किए कहाँ चला गया, नोटिस की नहीं, मतलब मैं नोटिस नहीं कर पाया, क्या जाएगा लेटली होगा क्या सर, लेटली तो नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंटली नहीं होगा, मतलब पता है, ठीक है। द कैप्टन केम, हम जस्ट नाउ वाले सेंस में यूज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेटली नहीं है, दूसरे वर्ड में क्या पढ़ा था, एट प्रेजेंट पढ़ा था, एट प्रेजेंट आई कैन से जस्ट नाउ, ठीक है, इसका मतलब तो क्या होता है प्रेजेंटली का, ही विल कम प्रेजेंटली, इसका मतलब होता है शॉर्टली, द कैप्टन केम शॉर्टली, कोई मतलब नहीं बनता था इसका, तो शॉर्टली तो नहीं होगा यहाँ पे, ये चीज है, तो इसका मतलब वी विल जस्ट रिमूव द वर्ड, और उसकी जगह आप जस्ट नाउ बोल सकते हो, कि अभी भी तो आया था यहाँ पे, कर सकते हैं हम लोग इसमें, प्रेजेंट ही नहीं आएगा इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है। ओके सर, और हमने एक और वर्ड पढ़ा था ना प्रेजेंटली के अलावा,
सर हमने प्रेजेंटली टाइमली लेटली एट प्रेजेंट ये पढ़ा था हाँ हार्डो हार्डली मैं बताता हूँ अभी मैं कौन से वर्ड की बात कर रहा हूँ ये वर्ड्स थे आई गेस यस या ठीक है चलिए तो यस गर्व इसमें एक्सेप्शनली हो जाएगा फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा दे वर एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स exceptionally good orators yes. this is an adjective aur iske sath mein we will use adverb yes so they were exceptionally good orators orator bata hai na so all of us listen to them very attentively speakers yes girl speakers on the motivational speaker मोटिवेशन एक्चुअली ओरेटरी स्किल्स वही होते हैं ना कि हमारे स्पीक लाइक स्पीच के जो स्किल्स होते हैं स्पीकिंग स्किल्स हो गए हमारे ओरेटरी स्किल्स बोलते हैं ना तो ओरेटर्स वही हो गए यस फिफ्थ ही हैज बीन ट्राइंग टू लियर हर फॉर मंथ्स बट ओनिंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड ही हैज स्टिल नॉट सक्सीडेड ही हैज स्टिल नॉट सक्सीडेड नहीं 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 हम लोगों ने पढ़ा था स्टिल और येट को तो येट का यूज जो हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था ना येट कैसे यूज करते हैं स्टिल और येट जब भी दिखाते हो ना आपकी कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है ऐसा हो नहीं पाया अभी तक तो येट हम लोग क्या लगाते हैं सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं ठीक है यस येट लास्ट में आएगा द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट ठीक है तो इसमें ये क्या दिखाता है पहली चीज तो अभी तक ऐसा वाला काम नहीं हुआ और मोस्टली हम लोग क्या दिखाते हैं इसे परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे होते हो तो हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड नहीं हैज नॉट सक्सीडेड येट तो यहां से स्टिल हटेगा और लास्ट में येट आ जाएगा हैज नॉट येट सक्सीडेड भी नहीं आता कई इन्होंने क्वेश्चन अगर मैं ये क्वेश्चन बना था इसमें तो मैं येट सक्सीडेड लिखूंगा इसके अंदर ताकि कन्फ्यूजन थोड़ी सही से हो ठीक है ही हैज नॉट येट सक्सीडेड येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है इस तरीके से हम लोग इसे यूज करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली एंड जस्टिफाइड हम लोगों ने किया था क्लास में Yes, correct. ठीक है यहाँ पे fairly की जगह आ जाएगा rather एकदम से next he is almost quite competent for the post of manager so when given a chance he can lead the company to its goal. यहाँ पे मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद थोड़ा सा clear है कि इन दोनों में से एक ही word आएगा almost quite competent कौन सा वर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है क्वाइट कॉम्पिटेंट अच्छा लग रहा है क्वाइट कॉम्पिटेंट ज्यादा सही लग रहा है इसमें इज ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंट से ज्यादा क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर क्योंकि हम बाद में आगे पॉजिटिव सेंटेंस दे रहे हैं कि भाई कंपनी को लीड कर सकता है तो यस वी विल यूज क्वाइट कॉम्पिटेंट ऑलमोस्ट रिमूव कर देंगे यहां से एकदम सही द इंपोर्टेड आर्टिकल्स व्हिच यू सेल आर इनफ कॉस्टली टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाय देम कॉस्टली इनफ are costly enough yes imported articles which you sell are costly enough to allow the pocket of an ordinary man by the ye sentence is tarike se bola ja raha hai aisa nahi lag raha ki yahan pe aisa hona chahiye tha are
लेस कॉस्टली या फिर ऐसा कुछ चीप इनफ टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाय देम. कॉस्टली ना से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है. हाँ सर. तो फिर ऐसा होना चाहिए था ना कि ऑर्डिनरी मैन नहीं खरीद पाएगा इतनी ज्यादा कॉस्टली, ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है पहला वाला पार्ट. तो चलो फिलहाल हमें पता है कि कॉस्टली इनफ आएगा. ये है पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि आगे जाके ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए इसमें कि ऑर्डिनरी मैन तो खरीद नहीं सकता. उन्होंने बोल दिया वो खरीद लेगा, बहुत पैसा है ऑर्डिनरी मैन के पास. क्या नेक्स्ट? ये सही है, इसमें भी सेम हो जाएगा. यस, इसमें भी हो जाएगा काइंड इनफ. लेकिन इसमें बात आगे दे रखी सही, टू ग्रैंड देम 5000 रुपीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये वाला तो काइंड इनफ. I met Neetu. Okay, I met Neetu about 2 years ago and have remembered her ever for. Forever. नहीं. इस वाले पार्ट में एरर है. ये अच्छी बात है कि हम सब इस पर एरर लगा के आते हैं. ठीक है, since then भी की जरूरत नहीं पड़ेगी. यार पता है क्या करेंगे हम, केवल ever since बोल देंगे, तब से. ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं मैं उससे 2 साल पहले मिला था. अब देखो, ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग 2 years पॉइंट वो यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब तब से याद है. तो ना हम ये बोल देंगे आई मेट नीतू अबाउट 2 years अगो एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस. ठीक है, दिस इज फॉर एवर. एक्चुअली सेंस नहीं बना रहा अगर हम यहाँ पे फॉर एवर लगा देंगे. आई रिमेम्बर्ड हर फॉर एवर, क्योंकि आपको एंड हैव रिमेम्बर्ड हर फॉर एवर ऐसा है ना. हाँ सर. हाँ, तो उसका मतलब तब से अब तक याद है, हमें वो एक फैक्ट डालना है इसमें, इसलिए हम सिंस लगाएंगे. ओके. Next, the leaders of the striking teachers called on the chief minister for negotiation and returned happily. नहीं, called on ने बताया था ना. called on किसके लिए यूज करते हैं हम लोगों ने किया यार क्वेश्चन कई बार. call on क्या दिखाता है, visited. Yes, sir. नो एरर हो जाएगा क्योंकि बाकी सब कुछ सही दिया. रिटर्न हैप्पीली वो भी सही है, और कॉल ऑन जहां भी लिखा हो ना इसका मतलब या तो कॉल करना ही होता है. ठीक है, या फिर विजिटेड होता है, दे विजिटेड. यहां पे विजिटेड वाले सेंस भी यूज कर रहे हैं, दिस इज आवर फ्रेजल वर्ब. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ऑल्दो ही ओनली अर्न 600 रुपीज, ये कॉमन ही आएगा, 600 rupees a month, he manages to support his family, although he only earns 600 rupees. Sir, he does manage to support his family. मतलब इसमें inversion लग रहा है क्या? He नहीं, क्या लग रहा है? Inversion नहीं. He still नहीं. अच्छा इसे देखो जरा, ओनली एक्चुअल में किसे क्वालिफाई कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है? मनी की, 600 रुपीस की बात कर. यस, तो क्या होना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए? अर्न्स ओनली. हाँ, ओनली 600 रुपीस अ मंथ होना चाहिए ना, कि केवल इतना कमाता है. Although he earns only 600 rupees a month, तो only बात कर रहा है केवल इतने रुपए. ठीक है, only earns तो ऐसा दिखा रहा है कि केवल earn करता है. Although he only earns, got it? Although he earns only. Yes, sir. Yeah. अच्छा मतलब only दो बार आएगा. Although he only earns only 600 rupees. नहीं, दो बार नहीं आएगा, यहाँ से हटाया मैंने. अच्छा. मतलब नहीं होगा दो बार का. ठीक है, although he only earns नहीं होगा. only earns से तो ऐसे समझ में आ रहा है ना कि वो केवल कमाता है. हमें ही नहीं बोलना केवल कमाता है, हमें बताना है कि वो कमाता है केवल इतने रुपए. only बात कर रहे हैं 600 के लिए, केवल 600 रुपए कमाता है वो. तो although he earns only 600 रुपीज a month, he manages to support his family. next देखो.
Sir, by talking to the concerned officers only, they will make out the hidden implication of the agreement. ठीक है, only को तो मैं सही करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. तो only by talking to the की जगह हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाकी? और थोड़ा और ट्राई करो, ये जो आपने बताया वो गलत था. थोड़ा और सही कर सकते हैं इसके अलावा. So by talking only to the officers concerned, ये भी नहीं होगा, I think. क्या? By talking only to the officers concerned, they will make out certain implications. देखो यहाँ पे क्या है ना, ओनली बात कर रहे हैं. अब जैसे अगर ऐसे बोलते हैं ओनली बाय टॉकिंग से क्या समझ में आ रहा है? कि केवल बात करके काम बन पाएगा, मतलब पैसे दे के काम नहीं बनेगा, ऐसा कुछ लग रहा है. ठीक है, ओनली बाय टॉकिंग नहीं, ओनली का जो इम्फेसिस होना चाहिए, इम्फेसिस ओनली का है, वो किस पे होना चाहिए? ऑफिसर्स पे. तो ये संजीत बिल्कुल ओनली टू द ऑफिसर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही. तो ये करेंगे, तो बाय टॉकिंग यहीं पे लगा देंगे हम लोग. Only to the officers concerned, they will make out the hidden implications of the agreement. अच्छा, tell me one thing, officers concerned और concerned officers, कुछ difference होगा इसमें? Yes, officers concerned का मतलब बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, और कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब एक ही डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर. देखो ऑफिसर्स कंसर्न जो लिखा है उसका मतलब तो ये हो गया ना कि रिलेटेड वाला, उससे रिलेटेड जो है. ठीक है, जो आपके जैसे बोले ना, रिलेटेड जो हमारे केस से रिलेटेड है. ऑफिसर्स अलॉटेड फॉर द इशू, यस, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिसर्स कंसर्न, यानी कि जो भी उससे रिलेटेड है उस टॉपिक, उस वाले केस से, उसके लिए अलॉट किया गया, बिल्कुल सही. और कंसर्न ऑफिसर्स जो लोग ध्यान रखते हैं वाले सेंस में, they are very concerned about something. ठीक है, so they are concerned officers. मतलब एक भी नहीं, ये भी ऑफिसर्स भी तो वही होगा कि किसी केस के लिए जिनको अपॉइंट करा है वो वाले ऑफिसर. नहीं नहीं, वो भी हो जाएगा. ठीक है, कंसर्न ऑफिसर्स उस सेंस में हम यूज करते हैं. आई एम सेइंग कि अगर मुझे ऐसा बोलना है ना कि वो ऑफिसर्स जो थोड़े कंसर्न रहते हैं चीजों के बारे में, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना उसे, कंसर्न ऑफिसर्स, तो भी ऐसे बोल सकता हूँ ना. Getting a point, अगर मुझे बोलना है कि they are very concerned about something, they are very concerned officers. नहीं, एक concerned का मतलब ध्यान का भी होता है ना, वो मतलब है मेरा. We can okay. चलिए next देखते हैं. Hardly he likes to hear my name after the rift which occurred between him and me. सर ये तो इन्वर्जन वाला हो गया ना. कौन सा वाला? हाँ तो इन्वर्जन लगाएंगे इसमें. Hardly does he like to hear my name. Yes. Hardly से स्टार्ट करो सेंटेंस. यस, यहाँ पे आ जाएगा hardly does he like. तो hardly does he like to hear my name after the rift, जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया था थोड़ा बहुत इनका, उसके बाद. 15th वाला मैंने क्लास में करवाया था. This room is very beautiful but too much small to accommodate all of you. Yes. बिल्कुल सही कर. यहाँ पे क्या जाएगा? Too much की जगह much too. ठीक है, much too small, क्योंकि adjective के साथ हम लोग much too लगाते हैं. दीप्ति नहीं क्या होगा ना? Yes, sir. मुझे लग रहा था. ठीक है, तो मच टू ऐसे होता है, नाउन के साथ में हम टू मच लगाते हैं, और यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के साथ हम लोग मच टू लगाते हैं. ये रूल है यहाँ पे. ठीक है, तो आप पहले वाले क्लासेस देख लेना, और क्या कहते हैं, ये रूल को भी यहाँ से याद रख सकते हो. ओके सर. स्मॉल, हाँ स्मॉल एडजेक्टिव है, रूम के लिए बोला जा रहा है, तो मच टू आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट, 16th. He was fortunately not present on the rostrum when the bomb exploded. रोस्ट्रम बोलते हैं किसके लिए? रोस्ट्रम क्या होता है? टेम्परेरी स्टेज बनाते हैं ना, जैसे
पॉलिटिशियंस कोई भी आता है तो उसके लिए स्पीच देने के लिए वो लोग, तो टेम्परेरी स्टेज को बोलते हैं रोस्ट्रम, ठीक है. तो ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड. क्या करेंगे इसमें? So fortunately he was not present on the rostrum when the bomb exploded. जब भी आप इस तरीके से adverb use कर रहे हो और पूरे sentence पे, मतलब fortunately ऐसा सा हुआ और ऐसे से चीज थी, क्योंकि you are not actually qualifying a single word or something. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरी बात के लिए, ठीक है. हम किसी एक verb को केवल emphasize नहीं कर रहे हैं उसपे, हम बोल रहे हैं कि fortunately ऐसा हो गया. तो इस तरीके से फॉर्चुनेटली, हैप्पीली, सैडली, जब भी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा आप इसके स्टार्टिंग में लगाओगे, ठीक है. तो ऐसे लिखा जाएगा, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम. यस, माय ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही लीड्स अ लोनली लाइफ. ये क्या बात है? तो यस, गर्व सही आंसर है बिल्कुल. माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है. तो जब भी नो यूज करते हैं, आई डोंट नो हाउ टू व्हेन टू, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगा लेते हैं, मतलब यहाँ पे हाउ आ जाएगा, यस, हाउ टू मेक फ्रेंड्स. ओके, 18th. I like the fortune moment where the workers proved their might to take on the company and came out victorious. Sir, I liked that opportunate moment. नहीं, opportune moment is fine. Moment के लिए बोल रहा हूँ. Opportunate की, opportune moment की चलेगा. Victoriously? No. No way. Error भी है. Okay. I like that opportune moment. Opportune का मतलब है ना suitable moment, एकदम जब ऐसा हुआ, ठीक है. तुम क्या बोलेंगे? मुझे वो moment पसंद है जब ऐसा हुआ या जहां ऐसा हुआ? मैं क्या बोलना चाहूंगा, मुझे अभी भी वो वक्त याद है जब ऐसा हुआ था या जहां ऐसा हुआ था. यस, तो वेयर की जगह क्या आ जाएगा? व्हेन, बिल्कुल सही. यस संजीत एंड गर्व, यहां पे क्या आ जाएगा? व्हेन. तो आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट व्हेन द वर्कर्स प्रूव देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियस, ठीक है. तो वेयर की जगह लोग व्हेन यूज करेंगे और इस बात को कहेंगे. क्लियर हो गई? चलिए एक और करते हैं 19th, फिर उसके बाद विल नेक्स्ट क्लास. 19th वाला बता दीजिए मुझे. ही वाज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेड दैट ही वाज सॉरी टू कंपनी अस. So he was sorry not to accompany us, new girl. मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे not to accompany us, मैं भी ये सोच रहा था वैसे, लेकिन ऐसा है कि वो क्या लिखा, tired from work. He was very tired of work, so he said that he was sorry to accompany us. सॉरी टू कंपनी तब बोल सकते हैं ना कि वो आके सॉरी फील कर रहा है, फालतू में ऐसा वाला, ये लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है. सॉरी टू कंपनी हो जाएगा. और अगर टायर्ड फ्रॉम वर्क भी हम यूज करते हैं, हम लोगों ने देखा है, सो ही वाज सॉरी ही कुडंट अकंपनी अस. नो,
देखो देखा जाए तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है. ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, काम से काफी ज्यादा पक चुका था. ठीक है, टायर्ड फ्रॉम वर्क का मतलब होता है काम से थक जाना लाइक फिजिकली, एंड टायर्ड ऑफ वर्क का मतलब होता है मेंटली थक जाना कि बकवास लग रहा है भी, मेरे को काम नहीं करना है ऐसा. ठीक है, सो ही सेड दैट ही वाज सॉरी टू कंपनी अस. तो ये उस सेंस में बोला जा रहा है कि ही मतलब वो सॉरी फील कर रहा है आने के लिए, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो सॉरी हम दो तरीके की चीजों के लिए फील करते हैं, एक तो ना आने के लिए भी कर सकते हैं और आने के बाद भी हम सॉरी फील कर सकते हैं, या फिर सॉरी कि क्यों आ गया ऐसा. ठीक है, तो ही वॉज सॉरी टू कंपनी अस फॉर बींग अ बर्डन, या मे बी फॉर बींग अ बर्डन. ठीक है, ही वॉज सॉरी टू कंपनी अस. तो ये तो क्योंकि कंटेक्स्ट में पूरा नहीं पता है तो हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते इस वाली चीज को. और यहाँ पे टायर्ड ऑफ वर्क भी ठीक है, क्योंकि टायर्ड ऑफ वर्क और फ्रॉम वर्क दोनों ही ठीक होते हैं. फ्रॉम का मतलब फिजिकली थक जाना, एंड ऑफ वर्क मीन्स मेंटली. किसी चीज के लिए भी हम ऐसे यूज करते हैं ये टायर्ड ऑफ एंड टायर्ड फ्रॉम. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा चेहरा लगाने का है नहीं, तो वील गो फॉर नो एरर, क्योंकि अलग पार्ट भी कंटेक्स्ट नहीं पता है इसलिए इस पार्ट में हम एरर नहीं निकाल सकते. ओके, इज इट फाइन? समझ आ गया दीप्ति? चलो तो इतना रखते हैं आज के लिए. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, वहां पे हम लोग आगे क्वेश्चंस को मतलब बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलिए. तो बाकी अभी रूल्स जो भी जैसे लिखे ना एक बार देख लेना जरूर, और देन हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे. चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. ओके.